डरावनी मूवीज देखना किसे पसंद नहीं होता, पर डर भी एक हद तक सही होता है। वहीं अगर कोई इंसान कमजोर दिल का है तो उसे ये फिल्में देखना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसे कई सारी कंट्रीज में बैन करा गया है, और इन मूवी के कुछ कुछ सीन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, खासकर जब आप रात के अंधेरे में इन्हें देख रहे होंगे और आपके चारों तरफ सन्नाटा होगा। और अगर साउंड इफेक्ट्स की बात करें तो इन मूवीज में ऐसे ऐसे चिल्लाने की आवाजें हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई मूवी देख रहे हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से मूवी में ही खो जाओगे। और अगर आप ये मूवीज देखना चाहते हो तो अपने ही रिस्क पर देखना, अगर हिम्मत है तो, वरना बिल्कुल भी नहीं। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मूवी है कैनिबल होलोकॉस्ट, जो 1980 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म इतनी रियलिस्टिक और डरावने तरीके से शूट की गई थी कि फिल्म रिलीज करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर को जेल हो गई, क्योंकि बोला जा रहा था कि शूटिंग के टाइम पे उसने कई सारे एक्टर्स का मर्डर करवा दिया। लेकिन फिर उसको इस बात का सबूत देना पड़ा कि ये रियल नहीं था और किसी भी एक्टर की जान नहीं गई, बल्कि सभी सही सलामत हैं। और इस फिल्म में इतनी ज्यादा वायलेंस दिखाई गई थी कि जिसको देखना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए कोर्ट ने रिलीज से पहले ही इस पर बैन लगा दिया था, और जो अभी भी कई सारी कंट्रीज में लगा हुआ है। अगली मूवी है द पाउच किप्सी टेप्स, ये 2007 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेशन से होती है, जहाँ पर एक पुलिस फोर्स एक सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जिसने काफी सारे मर्डर्स किए होते हैं। अगर आपका दिल बहुत ज्यादा मजबूत है तभी आप इस फिल्म को देखना, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके कुछ कुछ सीन्स आपकी रूह कपा देंगे। और सीरियसली अभी भी मेरे गूज बम्स आ गए उस सीन को इमेजिन करके, जब वो कातिल कोई भी मर्डर करने वाला होता है तो उसकी पहले फुटेज बना लेता है। अब वो चाहे 9 साल की लड़की हो, कोई कपल हो, या 3-4 लड़कियों का ग्रुप हो, वो उनको बहुत ही बेरहमी से मारता है और उनकी हड्डियों को अलग अलग जगह फेंक देता है। और ये जो सीन है ना, ये सचमुच काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और स्पेशली जब आप रात को इस मूवी को अकेले में देखोगे तो लिटरली आपको पूरी रात तक नींद नहीं आने वाली। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, 1974 में आई ये फिल्म भी अपने आप में काफी ज्यादा डरावनी है। ये एक रियल लाइफ कैनिबल फैमिली पर बनाई हुई फिल्म थी। इसमें इतनी ज्यादा वायलेंस दिखाई गई थी कि इसे बैन करना पड़ा था, और ये आज भी हॉरर मूवीज की लेजेंड मानी जाती है। इसकी स्टोरी में कुछ लड़कियां अपनी हॉलीडेज मनाने जाती हैं और अचानक से एक लेदर फेस का बंदा आता है जो पेड़ काटने वाली मशीन से इंसानों को काटना शुरू करता है। उसे जो भी अपने सामने आता दिखता है वो उसे ही काट डालता है। अब वो ऐसा क्यों करता है ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं तो एंड तक इस मूवी को बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि मुझे ब्रूटल मूवीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। नेक्स्ट मूवी है फेसेस ऑफ डेथ, ये फिल्म भी हद से ज्यादा डरावनी थी। 1978 में आई इस फिल्म में कई सारे सीन्स ऐसे थे जिसे देखकर लोग कई दिनों तक सदमे में थे। इसमें कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसे कोई भी इंसान देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इस फिल्म को 46 कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। मूवी के अंदर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो ह्यूमन की डेथ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। इस मूवी के अंदर हमें एक्सीडेंट, मर्डर और डेथ सेंटेंस जैसे कई इंटेंस फुटेजेस दिखाए गए हैं, और इन सीन्स में से कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें कुछ लोग एक छोटे से बंदर को अपनी डाइनिंग टेबल पर मारते हैं और उसके ब्रेन को खाने लग जाते हैं। और एक सीन के अंदर एक आदमी को एक चेयर से बांधकर मरने तक इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। इसमें ऐसे कई सारे अजीब सीन्स दिखाए गए हैं जो हमें नॉर्मली अब देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इन्हें इंटरनेट से पूरी तरीके से हटा दिया है। इसलिए अगर आप ऐसी मूवीज में इंटरेस्टेड हो देन गो फॉर इट। हमारी नेक्स्ट और लास्ट मूवी है द एग्जॉर्सिस्ट। द एग्जॉर्सिस्ट को दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसे देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, और ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी थी कि इसके ट्रेलर को भी बैन कर दिया था, और इसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया है। कई लोगों को सिनेमा घरों में ही अटैक आ गया, और अमेरिका में जिस जिस सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस रखी जाने लगी। लेकिन कहानी इतनी नहीं थी, ये फिल्म अपनी मेकिंग के टाइम से ही शापित मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हो गई, कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए, पूरा सेट जल गया। लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट होने थे उस तक एक चिंगारी
दीवारें भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद भी फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे थिएटर के बाहर लाइन लग जाती, टिकट के लिए लड़ाई होने लगती थी। इन सभी के बीच द एग्जॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। फिल्म ने कमाई के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो। तो ये थी 5 मूवीज जिन्हें कई सारी कंट्रीज में बैन करा गया है। आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।